भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे गुजरात के बशऊर पाकिस्तानियों, मैं अभी बैठा सबको देख रहा था और मैंने ये देखा कि हर बात जिसके अंदर कोई सियासी शऊर होना होता था, एकदम मेरे सारे नौजवान और मेरी बहनें एकदम उसके ऊपर रिएक्ट करती थी। माशाल्लाह। और आज 8 साल के बाद इसी स्टेडियम में मैं आया, और 8 साल पहले मैं समझता था कि बहुत बड़ा जलसा है, लेकिन आज माशाल्लाह आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुक्रिया। जी, मैं अभी महंगाई के ऊपर आने लगा हूं। डीजल की कीमतें मुझे पता है कि कहां से कहां गई। जब हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया तो 150 रुपया लीटर पे पेट्रोल था और 145 रुपए पे 1 लीटर फजल रहमान था। और ठीक है नौजवानों, जब डीजल महंगा होता है सब कुछ महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, जनरेटर महंगा, बिल ज्यादा आता है किसानों का, हर चीज महंगी होती है जब फजल रहमान महंगा होता है। अच्छा गुजरात, अब जरा थोड़ी खामोशी से नौजवानों, अभी मैं डीजल पे बाद में आऊंगा, यानी मजीद डीजल पे बात करने के लिए बाद में आऊंगा। अच्छा अब सुने नौजवानों, अल्लाह ने संजीदगी से सुननी है बात मेरी, क्योंकि मैं नौजवानों आपके लिए खास तौर पे, मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को जगा दिया है, बिदार कर दिया है, कौमों को इश्यूज का समझ आ गई है, कौमों में शऊर आ गया है, और पहले शऊर आता है और उसके बाद इनकलाब आता है, और इनकलाब हकीकी आजादी का, जो इंशाल्लाह हमारी कौम को उधर लेके जाएगा, जो हमारे अजीम नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की सोच थी, एक गैरतमंद खुदार कौम, अपने पैर पे खड़े होने वाली कौम, जब दुनिया में बाहर जाए हर पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करे, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। और नौजवानों बड़ी ख्वाब देखा करो, बड़ी सोच रखो, एक वक्त आएगा, और अल्लाह मैं तेरे से दुआ मांगता हूं कि वो वक्त आए
कि जब मेरा पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। ये ऐसे होगा। और नौजवानों सुनो मेरी बात, इंसान वो बड़े काम करता है जो बड़ी ख्वाब देखता है। वो बड़ा वो इंसान ऊपर जाता है जिसकी बड़ी ख्वाब होती है। अगर मैं अच्छा अल्लाह ने क्रिकेट में कामयाबी दी थी तो इसलिए कि मैं बाकी खिलाड़ियों से बड़ी ख्वाब देखता था। मैं कभी मेरी ख्वाब रुकती कहीं नहीं थी कि पहले मैं कहता था मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा, फिर मैंने कहा मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनूंगा, और फिर मैंने कहा अपने आप से कि मैं अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। ये होती है ख्वाब। तो मेरे नौजवानों, आप में से बड़े काम वो करेगा जो बड़ी ख्वाब देखेगा। और मैं पाकिस्तान की ख्वाब आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे मौला ने इस मुल्क को 12 मौसम दिए हैं। 12 मौसम है पाकिस्तान में, हम कुछ भी उगा सकते हैं। अल्लाह ने हर किस्म की नेमत दी, ज़रख़ेज़ जमीन दी, टैलेंटेड नौजवान दिए, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। जब मौका मिलता है मेरे नौजवानों को, ये सारी दुनिया में शाइन करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो जो नौजवानों, मैं आपको आज बात बताना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं अपनी सारी कौम के पास जा रहा हूं, अपने नौजवानों को जगा रहा हूं कि जब तक एक कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उसकी परवाज ऊपर नहीं जाती, गुलाम ऊपर नहीं जा सकते। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। सिर्फ आजाद इंसान इलामा इकबाल के शाहीन बन सकते हैं। सिर्फ ऊपर परवाज कर सकते हैं। कायदे आजम, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, मुखालिफ भी कायदे आजम को इज्जत से देखते थे, खुदार थे, गैरतमंद इंसान था। लोग इज्जत आपकी तब करेंगे। नौजवानों ये सुन लो मेरी बात, जितना मर्जी पैसा कमा लो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तब मिलेगी जब आप पहले अपनी इज्जत खुद करेंगे। अगर दुनिया से इज्जत करवानी है पहले अपनी इज्जत को खुद करो। और जो कौमें अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, अपने लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखती हैं, लोगों पर जुल्म करती हैं, लोगों को इंसान नहीं समझती, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमने सबसे पहले अपनी कौम को हकीकी तौर पे आजाद करना है। हमने अपने लोगों को हकूक देने, इंसाफ देने, और इंसाफ दे के लोगों को आजाद करना है, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। तो मैं सबसे पहले जो मैं नौजवानों जरा गौर से सुने कि क्यों हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होती, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं करते। और अगर आपने देखना है कि हमारी इज्जत क्यों नहीं होती तो चेरी ब्लॉसम शबाज शरीफ को जरा यहां मुलाहिजा फरमाएं, जरा देखें कि जब मुल्क का सरबरा ऐसी बातें करता है
तो उस कौम की कौन इज्जत करेगा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ये मांगने, शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा, मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे। गुजरात और मेरी यहाँ बहनें इतनी तादाद में आई हैं, आपको भी मैं खुश आमदेद कहता हूं। अब मुझे सवाल का जवाब दे, अगर कोई आपको ऐसे कहे, अभी जरा आप जाएंगे बाहर, मांगने वाला आएगा, कहेगा जी मैं मजबूर हूं, यही कहेगा ना, मैं मजबूर हूं, या कहेगा जी मुझे पैसे थोड़े दे दो, मैं वापस कर दूंगा बाद में, और आपको पता है वो नहीं वापस करेगा। तो ये जब आपके मुल्क का सरबरा कहता है जी मैं तुर्की गया, मैं यूएई गया, मैं सऊदी अरेबिया, मैं पैसे मांगने गया, तो नौजवानों इसलिए मेरी बड़ी गौर से आपने बात सुननी है, हम एक अजीम कौम है और हमने उस उज्मत पे पहुंचना है, लेकिन उससे पहले हमने अपने आप को आजाद करना है। कुरान में अल्लाह कहता है मैंने इंसान को अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और जब शैतान जो अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत करता था, जब शैतान ने कहा कि नहीं मैं तो आग का बना हुआ हूं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैंने इंसान में कितनी सलाहियत पैदा की है। तो नौजवानों, आप में से भी ज्यादा लोगों को नहीं पता कि आप में अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी है, आप सब में, आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हो, आपको कोई जरूरत नहीं कि आपके मुल्क का सरबरा जाके भीख मांगे। एक खुददार कौम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, एक खुददार आदमी भूखा मर जाता है लेकिन इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो गुजरात नौजवानों, मैं आपसे और भी बातें करूंगा, लेकिन मैं आपकी तरबियत भी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ तैयारी करें। यहां हमने एक हकीकी आजादी की तहरीक चलानी है, और उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, एक इंसाफ का निजाम ठीक करना है, कि यहां ताकतवर जो जुल्म करता है कमजोर पे, हमने कमजोर को तहफुज देना है और आजाद करना है। तो नौजवानों, इसके लिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है, क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत एक इंपोर्टेड हुकूमत, जिसका ये इंपोर्टेड वजीर आजम आपने देखा था, चेरी ब्लॉसम, उसकी सबसे बड़ी कमाल यह है कि वो जूते बड़े अच्छे पॉलिश करता है, और वो बूट खास तौर पे अच्छी तरह पॉलिश करता है, जितने बड़े बूट उतनी अच्छी पॉलिश। तो आपने इसलिए मेरे साथ निकलना है कि ये बैरूनी साजिश के तहत चोरों के टोलों की, चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसलत किया गया, ये 3 स्टूजेस जो हमारे ऊपर मुसलत किए गए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरह
अपने बैरूनी आकाओं के जूते पॉलिश करते हैं, इसलिए मुसल्लत किए गए। इमरान खान उनको इसलिए गवारा नहीं था क्योंकि वो कहता था एब्सोल्युटली नॉट, और वो किसी की गुलामी मानने के लिए तैयार नहीं था। और वो जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था वो अपने लोगों के लिए थी। तो अगर मैं रूस मुझे सस्ता तेल दे 40% कम कीमत पे या 30% कम कीमत पे अगर रूस तेल दे तो मैं क्यों ना लूं, क्योंकि मैं अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल और फजल रहमान बेच सकता हूं, तो क्यों ना लूं मैं। अगर साथ वाला मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुआ था, अगर हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल खरीद सकता है तो बताओ मुझे गुजरात हम क्यों नहीं ले सकते। और दूसरी चीज ये भी सुन लो, हमारे हो पिछले जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसने अमेरिका के सामने घुटने टेके और अमेरिका की जंग में शामिल हुआ और 80,000 मेरे पाकिस्तानी उस जंग में कुर्बान हुए, अमेरिका की जंग में। और जब मैं कहता हूं कि अमेरिका हम तुम्हारे साथ अमन में शामिल हैं लेकिन किसी जंग में हम तुम्हारे साथ नहीं शामिल, तो मैं अपने लोगों का सोचता हूं। लेकिन जो लोग इन्होंने मुसल्लत किए, जो ऑर्डर मिलेगा उधर से ये वो करेंगे, ना ये रूस से सस्ता तेल लेंगे क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा, और ना ही मुझे खौफ है कि ये रोकेंगे कि हमारा मुल्क इस्तेमाल होगा किसी की जंग में और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो गुजरात पहले हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या आप मेरे साथ इसमें शामिल हो। गुजरात जब से ये आए हैं, याद होगा आपको कि मेरी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने सब प्रोपेगेंडा किया और इनके साथ वो मिले हुए थे, गुजरात इनके साथ वो लिफाफा वाले साहब मिले हुए थे, लिफाफे मिले हुए थे, पैसे लेके जमीर बेचने वाले, और वो मीडिया हाउस जो हमेशा पैसे की बुत की पूजा करता है, और आप सबको पता है वो कौन सा मीडिया हाउस है। हाँ, फिर से ऊंची ऊंची जरा। जी जी, माशाल्लाह शऊर रखने वाली मेरी कौम है। अब तो बच्चा बच्चा मेरा शऊर बेदार हो चुका है। और आज हम मुबारक देते हैं ए आर वाई को और हम खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हम सारी कौम अप्रिशिएट करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि उन्होंने आजादी राय के ऊपर, आजादी सहाफत के लिए स्टैंड लिया। और ये जो फैशन गवर्नमेंट है, ये जो लोगों को मीडिया के ऊपर जुल्म कंट्रोल, अच्छे अच्छे सहाफियों के ऊपर जुल्म, अरशद शरीफ जैसा एक मुहिब वतन पाकिस्तानी वो मुल्क से बाहर गया हुआ है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर है, इस हुकूमत के
दहशतगर्दी की वजह से एयाज अमीर जैसा दानिश्वर समी इब्राहिम उनको इन्होंने मारने की कोशिश की और इमरान रियाज जैसा बाजमीर सहाफी उसको जेल में डाला, एआरवाई को बंद किया, बोलने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको ये कौम सलाम करती है। वैसे मैं नौजवानों मैं यहां ये एक और भी आपसे बात करा चलूं क्योंकि मेरा केस लगा हुआ है। मैं पहले ये सबसे सारी कौम के लिए अभी मैंने आपको एक दो और वीडियोस बड़ी मजेदार दिखानी है, जरा थोड़ा सब्र करें जरा। तो ये 26 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की नाम था उसका इंसाफ की तहरीक और हमने 26 साल पहले कहा कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद होनी चाहिए, आजाद होगी तो लोगों के हकूक की हिफाजत करेगी। 26 साल पहले मैंने ये कहा। उसके बाद जब आजाद अदलिया की तहरीक चली तो मैं वाहिद पॉलिटिकल लीडर था जिसको जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला आजाद अदलिया की तहरीक में, और हमारी जमात वो थी। 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया आजाद अदलिया के लिए, और मैंने हमेशा अपनी अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की और मैं हमेशा उनकी इज्जत की है। और ये जो नून लीग आज कह रही है अदलिया को कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लो, नून लीग शर्म से डूब जाओ। तुम्हारे नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आपने ब्रीफ केस चला के रिश्वत जजेस को दे के एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को हटाया था। कभी मेरे से ये ना कभी कहना कि इमरान खान के ऊपर कंटेम्प्ट लगाओ ये नून लीग वाले, तुम तो अपना मुंह बंद करो, कभी ऐसी बात ना करना। जस्टिस कयूम को टेलीफोन कर रहे हैं कि जज साहब वो बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो। कभी इमरान खान ने ऐसी चीजें नहीं की और इंशाल्लाह हमेशा हम इस पाकिस्तान की अदलिया को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी अदलिया मजबूत नहीं होगी मेरे पाकिस्तानियों आपके हकूक को और कौन हिफाजत करेगा जुल्म से और ताकतवर से। अच्छा अब मैं अजरा नौजवानों आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं, उससे पहले मैं बताऊं वो क्या है। जब हम इक्तदार में थे तो सबसे ज्यादा शोर मचा था कि जी बड़ी महंगाई हो गई पाकिस्तान में। वो बिलावल भुट्टो, पता नहीं वो जरदारी है या भुट्टो है, उसने डराने के लिए एक मार्च महंगाई मार्च की और यहां आके इस्लामाबाद कहता कि इमरान खान की कांपें टांगेंगी। वैसे बिलावल खुदा के वास्ते 14 साल में उर्दू तो सीख लो। पाकिस्तान है ये मेरा, पाकिस्तान है तेरा, पाकिस्तान है ये मेरा, पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान। अच्छा और दूसरी तरफ नून लीग के शबाज शरीफ और इनके वजीर हर दूसरे दिन कहें जी आईएमएफ के गुलाम बन गए हो आप, आईएमएफ के कहने पे महंगाई कर रहे हो। आईएमएफ
IMF को तुमने पाकिस्तान को बेच दिया है। ये हर रोज हमें सुनना पड़ता था इनसे। जरा ये शहबाज शरीफ को सुनाए, ये इक्तदार से पहले क्या कह रहा था IMF के ऊपर, सुने जरा। IMF के मिनते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शरायत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये जो इनका IMF डील है, ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो। इस अवाम दुश्मन IMF डील से बाहर आए। इस मुल्क का अहम बिल है, आप बेशक बुलडोज कर ले, ये कल वापस होगा। ये इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक दिया IMF को, आज आजम ने आजादी दी। इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। बात की है राया साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है, सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16th of December 1970। जनाबे वाला, यहां पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहां पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं मालियाती अदारों। अच्छा अब ये सुने, मैं तो वैसे नौजवानों, आप भी जैसे जैसे आपकी उम्र होती रहेगी, आप अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह वाकई अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि सच तो थोड़ी देर नहीं, सच ने सामने आना है, क्योंकि वो अल्लाह अल हक है। तो इन्होंने ये बातें की कि जी IMF का गुलाम है, पाकिस्तान तबाह हो गया। और जब से अब ये आए, आप ये पता क्या कह रहे हैं, जब शौकत तरीन ने कहा कि जनाब सूबों कैसे पैसे इकट्ठे करेंगे आपके लिए, क्योंकि सैलाब आ गया है, सैलाब के अंदर अरबों रुपए की तबाही हुई है, तो शौकत तरीन ने कहा कि आप ये कैसे, हम कैसे सूबे पैसे इकट्ठे करेंगे जब इतनी तबाही आई है। तो यही नून लीग ने कहा कि इनके ऊपर तोहीने IMF लगाना चाहिए, इनको गद्दार बना दिया, कि इनकी जुर्रत कि ये IMF की बातें नहीं मान रहे। ये सुन रहे कि ये होते हैं मुनाफिक। जब इक्तदार से पहले थे तो तब IMF बहुत बुरा था, और हम वो जमात थे जो कीमतें नीचे रख के बैठे हुए थे, जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। फिर से मैं आपको याद करा दूं, हमारे दौर में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और डीजल था 145 रुपए लीटर। और आज ये कहते हैं कि IMF का हुक्म आया है, IMF का हुक्म पे आज डीजल पेट्रोल चला गया 236 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर बढ़ा है 4 महीनों में, और जो डीजल है वो 100 रुपया बढ़ा। तो मैं सवाल पूछता हूं कि जब हम इनसे पूछते हैं कि जी क्यों इतना आपने तेल क्यों इतना बढ़ाया, तो कहते IMF का हुक्म है। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, हमने महंगाई ऐसे नहीं आने दी। हमारे दौर में नौजवानों के जरा सुनो, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है जो आम लोगों के इस्तेमाल करने की चीजें, तो हमारे दौर में जो महंगाई थी आलमी महंगाई थी, SPI हमारे दौर में 17 से 18% था, आज कितना है बताओ,
कितना आज 45%, 3 गुना ज्यादा। 4 महीने में क्या हुआ कि 45% पे महंगाई पहुंच गई। हमारे दौर में तेल आलमी मार्केट के अंदर $103 और $110 में था। फिर से सुन लो, हमारे दौर में $103 से $110 पे तेल था आलमी मंडी में, आज $96 है तेल, आज $96 है, उससे कम है। तो आज पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कैसे हो गया? हम भी IMF प्रोग्राम में थे, आज इतनी महंगाई कैसे हो गई? इन्होंने तो सारी हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा महंगाई पे किया था। आज लोगों से पूछे बिजली के बिल, हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट बिजली थी, उसको भी हमने 5 रुपए पे सब्सिडाइज किया था। आज बिजली 36 रुपए यूनिट है और टैक्सेस लगा के 50 रुपए तक पहुंच जाती है। बिजली के बिल आए आपके घरों में? बताएं, आए बिजली के बिल? बिजली के बिल आए तो मुझे बताएं कि साथ आपने डिस्प्रिन रखी हुई थी सर दर्द बचाने के लिए। ये है आज जो बाहर से हमारे ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत जो लेके आए थे, ये इसलिए नहीं आए थे महंगाई कम करने के लिए, ये आए थे अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रह ले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे सब ताज। तो ये गुजरात, ये महंगाई कम करने नहीं आए थे, ये अपने करप्शन के केसेस वो खत्म करवाने नहीं आए थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके केसेस खत्म किए, NRO दिया 2008 में, तब इन्होंने अरबों रुपए की चोरी की थी शरीफ और जरदारी खानदान ने, उसने केस माफ किए जबकि वो कर नहीं सकता था क्योंकि पैसा तो आपका था। गुजरात फिर से समझ जाओ चोरी और करप्शन में क्या फर्क है। चोरी होती है जो आपके घर में कोई आके चोरी करे, मेरी कोई घड़ी चोरी कर ले, मेरे घर से पैसे लूट ले, ये इसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी होता है, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, सब्सिडी देने पे, जो पैसा आपके ऊपर लगना होता है वो इनकी जेबों में चला जाता है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। और जब मुल्क के सरबरा प्राइम मिनिस्टर वजीर चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो गुजरात, हमारी जंग इंसाफ की, जब इंसाफ आएगा तो चोरी खत्म होगी, करप्शन खत्म होगी। और इसलिए हमने सबने मिलके इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आप तैयारी करनी है, एक तरीक चलानी है, और सब मैं कह रहा हूं आप सबने निकलना है। प्यारा है इसका एक एक जरा जान से प्यारा है, ये देश हमारा है,
मैं इस हुकूमत को आज खबरदार करना चाहता हूं, ये जो आप हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आप जुल्म कर रहे हैं, ये जो आपने शबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया, जेल में उसको डाल के उसको नंगा करके जो उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, मैं आज आपको खबरदार करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने जमील फारूकी एक सहाफी को उसको जेल में बंद करके उसको भी नंगा किया, तशद्दुद किया, और खास तौर पे हमारे सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उसको एक केस से निकलता है दूसरे में डाल देते हैं। 27 FIR सिंध के ऑपोजिशन लीडर के ऊपर की हुई है, उसको जेल पे उस पर तशद्दुद किया। तो मैं इसके अलावा जो आपने सहाफियों से किया, मैं आज आपको वाज़े तरीके से खबरदार करना चाहता हूं कि हमारा जो इंसाफ का, जो हमारी इंसाफ की जो तहरीक है, अगर इसी तरह आप करते रहे वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और आप सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे नौजवानों, सब तैयार हो जाओ कि हमने जुल्म का मुकाबला करना है। ये जितना हमारे ऊपर मेरे कारकुनों पे जितनी FIRs काटेंगे, मेरे ऊपर मुझे दहशतगर्द बना दिया, दहशतगर्द की FIR काट दी कि मैंने सिर्फ ये कहा कि जो शबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने दफा लगा दी, जो मर्जी आप करें। ये मैच का वो वक्त आ गया है, 20 साल क्रिकेट की ग्राउंडों में मुकाबला करने के बाद ये मेरा तजर्बा है कि आज जो हमारा मुकाबला है इन चोरों से, वो मैच का वो वक्त आ गया है कि PDM आप सब जो मर्जी कर लो, आप जीत नहीं सकते। फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। जो भी कर लो, बाहर बैठे हुए अपने जो आका हैं उनके घुटने घोड़े बिचते भी दबाओ, जितनी मर्जी उनकी खिदमत करो, ये तुम मैच अब नहीं जीत। जितने भी हमारे जलजला सैलाब से मुतासरीन लोग हैं सारे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पख्तूनख्वा, DG खान खास तौर पे, और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब की और सिंध की ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट मुतासर हैं, और बलोचिस्तान। मैं इंशाल्लाह अपनी सारी पार्टी को भी, अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा, पैसे जमा करूंगा, और माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड था उसमें 5.5 अरब रुपया आया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आना था क्योंकि लोग पहुंच ही नहीं सके, लोग टेलीफोन कॉल नहीं कर सके। तो
तो इंशाल्लाह अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किधर किधर लोगों को जरूरत है और उसके बाद मैं मजीद और पैसा इकट्ठा करूंगा अपनी कौम से और इंशाल्लाह अपने सैलाब के मुतासरीन को ये मैं यकीन दिलाता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको और मोनू साहब को, आप दोनों को इस जबरदस्त जलसे पे जो आपने इंतजाम किए खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी भी तहरीक इंसाफ के मेरे सारे लोग जो आज यहां आए हुए हैं बड़ी तादाद में, मैं आज आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना जबरदस्त आज गुजरात के अंदर जलसा किया। मैं आप सबका, अपनी बहनों का आज शुक्रिया अदा करता हूं और नौजवानों खास तौर पे, क्योंकि आप हैं मेरी टीम जिसने पाकिस्तान को मैच जिताना है। मैं अपने सारे स्टेज के ऊपर एमपीज एमएनएस सबको, सारे आपकी सारी फैमिली को, चौधरी साहब अपनी टीम को, आज मैं सारों को इस शानदार शाम के और जबरदस्त जलसे का आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब गुजरात, मैं इंशाल्लाह कल सैलाब वाले इलाकों से शुरू कर रहा हूं, उधर भी जा रहा हूं, जलसे भी कर रहा हूं। अपने जो मुतासरीन हैं सैलाब के उनके पास भी जा रहा हूं, अपनी कौम को हकीकी आजादी की तहरीक के लिए भी तैयार कर रहा हूं। अच्छा, तैयार हो आप? तैयार हो तहरीक के लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह गुजरात, मैं आज आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।